ब्रो क्या मैं लेग डे को स्किप कर बताओ। सकता हूँ? हाँ, अगर तुम्हें चिकन लेग फिगर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जरूर यू कैन स्किप लेग डेज। चिकन लेग्स? नहीं, पर यार लेग्स को ट्रेन करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बहुत पेन होता है यार। सो अगर आप लोग भी लक्ष्मण की तरह लेग डे के दिन अपने आप को जिम जाने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते हैं और इवेंचुअली लेग डे को स्किप करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 रीज़न कि क्यों आप लोगों को लेग डे को स्किप करने की जगह उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। साउंड्स इंटरेस्टिंग? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन 5 रीज़न को जानने से पहले हम जानते हैं क्यों लेग डे काफ़ी लोगों के लिए इतना स्ट्रेसफुल होता है। दिन भर में लेग मसल्स आपके वेट को कैरी करके मूव अराउंड करती है, जिस वजह से लेग मसल्स बाकी मसल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रेस को हैंडल कर सकती है, और इसी वजह से बाकी मसल के कंपैरिजन में लेग मसल्स की ग्रोथ के लिए आपको उसे ज़्यादा स्ट्रेस प्रोवाइड कराना पड़ता है। एंड मोर द स्ट्रेस देयर इज़, मोर द रिकवरी टाइम विल बी। और यही एक रीज़न है कि क्यों काफ़ी समय तक हम लेग मसल्स में सोरनेस को महसूस करते हैं, और ये पोस्ट वर्कआउट सोरनेस ही काफ़ी लोगों के लिए लेग डेज के प्रति रिजेंटमेंट को पैदा करता है। सो आइए अब बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जिनको जान के आप लेग डे की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और इसे आगे स्किप नहीं करेंगे। फर्स्ट रीज़न, बर्न मोर कैलोरीज। काफ़ी लोगों का वर्कआउट करने का प्राइमरी रीज़न वेट लॉस होता है, और अगर आप लेग डे को स्किप करते हैं तो आप ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलोरीज को बर्न करने की इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। लेग्स को ट्रेन करते वक्त आप अपने बॉडी की सबसे बड़ी मसल को भी ट्रेन करते हैं, डेट इज़ ग्लूटस मैक्सिमस। और जितनी बड़ी मसल्स उतनी आप एनर्जी को एक्सर्ट करते हैं, और दस आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करती है। सेकेंड रीज़न, इम्प्रूव्स योर स्पीड। अगर आप एक एथलीट या रनर हैं और अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो लेग डेज आर वेरी क्रूशल फॉर यू। लेग ट्रेनिंग में आप अपनी नी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिस वजह से आप अपनी स्पीड को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं, और एक्सरसाइजेज जैसे स्क्वाट्स और पावर क्लींस आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए भी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। सो अगर आप एक एथलीट या रनर है तो लेग डेज को कभी स्किप ना करें। थर्ड रीज़न, बिल्ड्स मोर मसल्स। अगर आप अपनी मसल मास को इंक्रीज करना चाहते हैं और फैट को लूज करना चाहते हैं तो लेग डेज आर द बेस्ट बेट फॉर यू, क्योंकि लेग वर्कआउट्स में कंपाउंड मूवमेंट्स के दौरान आपके बॉडी में हॉर्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज होते हैं, जो कि आपकी मसल मास को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो पूरे हफ्ते में अगर आप लेग डे को कम्प्लीटली स्किप कर रहे हैं तो अननोइंगली आप अपनी मसल मास की ग्रोथ को काफ़ी हद तक स्लो कर रहे हैं। फोर्थ रीज़न, गिव्स मोर बैलेंस्ड लुक। बेशक लेग मसल्स को ग्रो करना काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं तो ये काफ़ी आसानी से नोटिस में आ जाता है। चिकन लेग्स एक टर्म है जो उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी अपर बॉडी तो काफ़ी स्ट्रांग होती है लेकिन लोअर बॉडी उतनी ही वीक। सो अगर अच्छा दिखना आपकी फिटनेस प्रायोरिटी है तो लेग ट्रेनिंग से आप एस्थेटिकली मोर बैलेंस नज़र आ सकते हैं। और हमारा फिफ्थ एंड फाइनल रीज़न है, हेल्प्स अवॉइड इंजरीज। पिछले सभी रीज़न की तुलना में ये रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंजरी किसी भी पर्सन की प्रोग्रेस में एक बड़ी रुकावट की तरह होती है। अगर आप कंटिन्यूसली अपनी अपर बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं और लेग डे को स्किप करते हैं तो आपकी वीक लोअर बॉडी को आपकी स्ट्रांग अपर बॉडी को कैरी करके मूव करने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है, और साथ ही वीक हैमस्ट्रिंग्स और काफ़ी लोअर बॉडी मूवमेंट्स को ना कर पाने की वजह से आप इंजरीज जैसे टोन एसीएल के शिकार हो सकते हैं। सो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि इंजरी रिस्क फ्री रहने के लिए भी लेग डे को कभी स्किप ना करें। सो ये थे आज की वीडियो। इन 5 चीज़ों को जान के आई होप आप भी लेग्स को ट्रेन करने के लिए मोटिवेट हुए होंगे और आगे से लेग डे को स्किप नहीं करेंगे। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।